पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज ज्येष्ठ माह के प्रथम बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में प्राचीन दुर्गा मंदिर कोर्ट रोड पर परी फाउंडेशन ट्रस्ट मुरादाबाद के तत्वावधान में ठंडे शरबत का वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में राहगीरों के द्वारा शरबत ग्रहण किया गया और भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाई गई। ट्रस्टियों के द्वारा बताया गया कि हमारे ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य पशु पक्षी पर्यावरण और समाज की सेवा करना है। भीषण गर्मी में लोगों को राहत दिलाने के लिए आज शरबत का वितरण करके धन लाभ कमाया गया। इस अवसर पर जयदेव यादव ने बताया कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना करके उन्हें मनाया जाता है, तो वहीं जल का वितरण कर सभी को गर्मी से राहत दिलाई गई। इस अवसर पर राजीव हरी, हरिओम गुप्ता, परीश सक्सेना, जयदेव यादव, विकास गुप्ता, हितेंद्र यादव, अंकित चौहान, राम गुप्ता, जितेंद्र सिंह, मयंक गुप्ता, अजय सैनी, शोभित गुप्ता, आरती शर्मा, संज्ञा विशिष्ट वनिता मल्होत्रा, सुनीता सैनी के साथ और भी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज बड़े मंगल के उपलक्ष्य में परी फाउंडेशन ट्रस्ट मुरादाबाद के तत्वाधान में आज एक दुहावसा शरबत का वितरण कार्यक्रम रखा गया था कोर्ट रोड दुर्गा मंदिर। हमारे ट्रस्ट के उद्देश्य के अंतर्गत हमारा ट्रस्ट सभी समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता है, ये कहना चाहता है कि इस गर्मी में, भयानक गर्मी में हमारे पशु पक्षी, यहाँ तक कि हम मनुष्य भी अपने इस पानी की इतनी ज़रूरत का महसूस कर रहे हैं कि हम उसको हर 10-15 मिनट में पानी की आवश्यकता पड़ रही है। राहगीरों को भी पानी की, जल की आवश्यकता बहुत पड़ रही है। उसी उद्देश्य को हम लेते हुए आज हमने यहाँ पर शरबत का वितरण किया, जिसमें चाहे कुछ ही लोगों को हम लोग शरबत का वितरण कर पाए, लेकिन जितना भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा हो सकता था हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया, और हम आगे भी इसी प्रकार, ये हमारा जो उद्देश्य है समाज सेवा का, उसी उद्देश्य के अंतर्गत हम उसी प्रकार ये कार्य हम करते रहेंगे। और हमारा ट्रस्ट सभी समाज के लोगों से प्रार्थना करता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप पशु को, पक्षी को या किसी भी राहगीर को, जल की व्यवस्था करके रखें, छत पर रखें, घर के बाहर रखें या अपनी दुकान के बाहर रखें, जल पानी की व्यवस्था रखें, ताकि किसी ज़रूरतमंद राहगीर को पानी की या किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए। बस यही हमारा उद्देश्य है और हम इसी उद्देश्य के तत्वाधान में आगे कार्य करते रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।